आज इन्होंने बोलते अपने मेडल वापस करेंगे, हमें तो शर्म आती है सर प्रधानमंत्री पे। तो बड़ी सेल्फी लेते चाय पे बुलाया था, इनकी मन की बात पूछ रहे थे, मन की बात कोई भी नहीं सुनता, खामा खेमे पैसे खराब करते हैं। क्योंकि तुम्हारा मुकाबला इस वक्त अन्नदाता की बेटियों पहलवानों से होने जा रहा है। आओ अब तुम्हें पता क्या, तुम्हें उठा उठा के पटक देंगे, पटखनिया मार देंगे। हाँ। इसलिए तुम नहीं आ रहा, तुम्हें मालूम अगर दबी कुचली होती तो तुम कुछ, तुम्हें पता पहलवान बैठी है। हाँ। सिर्फ यूं करेंगी ए ब्रज, दो हवा में उड़ने लग। इससे अच्छा तो किसी और मुल्क से खेले तो गोल्ड मेडल मिले, कितना इनको इज्जत मिलेगी। वो लड़कियां जो दुनिया में बताकर आई थी कि हम भारत की पहलवान लड़कियां हैं, अरे दुनिया का एक मुल्क बता दो जहां भारत माता की माता को जय बोला। बीजेपी की कोई ना कोई दुखती रग ऐसी है जो ब्रज भूषण के जूते के नीचे दबी हुई है। पाप का घड़ा होता है ना, पाप का घड़ा एंड में फूट जाता है, अब वो पाप का घड़ा फूट चुका है। मीडिया पे वो नाक का चीपड़ा अमन चोपड़ा क्या दिखा रहा, केरला स्टोरी फलाना स्टोरी, अबे जाहिर यहाँ पे हकीकत बैठी है। डर होगा भगत सिंह को, तलवे चाटने वाले का नाम थोड़ा था, आवाज उठाने वाले का नाम होता है। उसने कांड जब भी तो आए यहाँ पे, कोई पागल है, एक लड़की अगेन अगेन इस बात को रिपीट करी है। तुम समझते हो कि इस्तीफा दो और इसको तिहाड़ जेल में डालो, यूपी में भी नहीं तिहाड़ जेल में। ठीक है, पुलिस मेरी जेब में, शासन मेरी जेब में, प्रशासन मेरी जेब में, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी जेब में, जब तो मैं कहूँगी मार के दिखाओ। अगर मुझे मालूम कि तुम मुझे मारोगे, मैं कहूँगी भैया मुझे माफ कर दे, सॉरी कर दोगे, अगली बार ना। इन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी यहाँ पे बच्चियाँ, इनको तो जेल सिक्योरिटी देनी चाहिए जो तो कंगना को दी थी, अनएजुकेटेड लेडी को। समझ गए, देश में सिर्फ कौन सुरक्षित है, किसको इंसाफ मिल रहा है, भाजपाइयों को। काला कपड़ा डालो, सफेद व्हाइट कॉलर डकैत निकालो, तो यही चल रहा है यहाँ पर। व्हाइट कॉलर डकैत कौन सुनता मन की बात, तुम सुनते हो कभी? 100 एपिसोड 1000 हो जाए कोई नहीं सुनता मन की बात, कोई नहीं सुनता। अपने दिल पे हाथ रखे कसम, तुमने कभी सुना है? बता, कोई नहीं सुनता। फिर मन की बात इनकी सुनो, अपने बच्चों के जब मेडल लाए थे सेल्फी में, सेल्फी फोटो खिंचवा रहे थे तो मोदी जी सुनते हैं ना, फोटो खिंचाते हैं इनके साथ, तो अब क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? ये भी तो हिंदुस्तान के बच्चे हैं। इससे अच्छा तो किसी और मुल्क से खेले तो गोल्ड मेडल मिले, कितना इनको इज्जत मिलेगी। आज इन्होंने बोलते अपने मेडल वापस करेंगे, हमें तो शर्म आती है सर प्रधानमंत्री पे। वो तो खुद बोल रहे थे कि हमें तो कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, आप क्यों नहीं करते फिर यहाँ पे, आप क्यों नहीं आ रहे? और स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके गले में नाचती थी, नाटक है ना चुनाव में बिजी। हाँ तो गलत है ना, वहाँ पे भी हारेंगे वो। हाँ। वहाँ पे भी मैंने वैष्णो देवी से दुआ करी, वहाँ पे भी हारेंगे। हाँ। मैं दुआ करके वैष्णो देवी जब भी जाऊंगी। हाँ। जो वहाँ पे हारेंगे जाऊंगी, संस्कारी पार्टी है। हाँ बहुत अच्छी पार्टी है, इतनी महंगाई कर दी, बच्चों को इंसाफ नहीं दे रही, अच्छी पार्टी है वो, उसको कहते संस्कारी पार्टी। अगर संस्कारी तो फिर यहाँ पे इनको इंसाफ दिलाओ ना आप लोग। 50 साल तक मीडिया नहीं, मीडिया नहीं, बोली तो अपने घर का होगा। आजा बोली तो यहाँ पे दो बात मिडले फेयर क्या हो गया, बहुबली है कहते अपने घर का होगा। जब मैं आऊंगा तो यहाँ लाखों की भीड़ लग जाएगी समर्थन में, तो कदा होगा इबा जाना। हाँ। इन्हें बोलते कि चले जाट, बीच में देखे, बीच में देखे, बीच में इतना भूंडा मारेंगे ना। हाँ। उसकी साथ उसे याद रखेंगे किससे। हाँ। पाला पड़ गया उसका। अच्छा बाहुबली को। हाँ बाहुबली होगा अपने घर का वो, अगर है तो फिर यहाँ पे आ जा। और की कोई किसी के ऊपर झूठ आ रहा थोड़ी लगाएगी। पाप का घड़ा होता है ना, पाप का घड़ा एंड में फूट जाता है, अब वो पाप का घड़ा फूट चुका है। बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार के बारे में नो कमेंट्स, में कुछ नहीं कह चाहती, आई डोंट लाइक बीजेपी। और ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इसको ईवीएम ने चुना है। आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर नहीं सच है। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का पानी का पानी तो जब होगा ना, जब यहाँ पे आए आता क्यों नहीं यहाँ पे, वो गलत है। जब भी तो यहाँ पे मुँह छुपाता फिर रहा है। और रात को मैं 2 बजे आई थी, इनको सबको पिटवा रहा था, उसी के गुंडे थे। क्या बोल रहा था कि अगर इस्तीफा दे ठीक है, अभी बेटी बाप के घर है, ये गिरफ्तारी इसकी नहीं होगी, ये गिरफ्तारी तुम जानते हो किसकी होगी। मैं मुंह नहीं खोलना चाहती अपना, बाकी तुम समझदार हो। नहीं मैं नहीं बोल रही, आप मेरे को भी डर होगा, भगत सिंह को तलवे चाटने वाले का नाम थोड़ा था, आवाज उठाने वाले का नाम होता है। सबसे पहले तो जितने भी ये कोच है ना, सारी लड़की होनी चाहिए ठीक है, सारी लड़की, जैसे लेडीज डॉक्टर होता है ऐसी लेडीज कोच होनी चाहिए। एक भी आदमी उसका पहलवानी का पी आता है, इतने सारे मुकदमे सब पीछे लिख रहे हैं वो। बस बीजेपी में जितने बड़े तुम कांड करोगे और तुम्हें उतना बड़ा पद मिलेगा। तो कह रहे हैं कुश्ती में बहुत बड़ा योगदान है मेरा। हाँ बहुत बड़ा योगदान, वही तो लेकर आए गोल्ड मेडल ना। आज ये बच्चे, इससे अच्छा तो ये बच्चे ना हिंदुस्तान में खाए पिए और ओलंपिक ना किसी और देश के लिए जाके जीते तो अच्छा है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाया था साक्षी मलिक का, तो अब क्यों नहीं आ रहे? तो अब क्या बहुत अभी हो गया मोदी जी को, अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्या उन्होंने मुंह में दही जम गई, अब क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे मोदी जी? जब सेल्फी लेने तो बड़ी जल्दी आ गए थे, अभी सारे बच्चे परेशान हैं, सबके घर में बाप बेटी है, वो तो बेवलादी की सरकार है, उनको किसी की पीड़ा नहीं है। बीजेपी को कर जा रहा है, अरे कराइए उसने कांड जब भी तो आए यहाँ पे, कोई पागल है, एक लड़की अगेन अगेन इस बात को रिपीट करी है। तुम समझते हो कि पागल गुहार लगा रही है और क्या, परेशान है सारा पूरा भारत परेशान है। पुलिस वाले नहीं थे, गुंडे थे, गुंडे थे ब्रिज भूषण के, और पुलिस की वर्दी पहन के आए थे। मैं 2 बजे रात को यही थी, मुझे लेडीज पुलिस ने बोला की मैम आप चले जाओ, फिर मैं घर चली गई रात को 2 बजे। और क्या, ब्रिज भूषण के भेजे गुंडे थे वो, नशे की हालत में ही बताया जा रहा है। अरे
आदमी गंदे काम दारू पी के तो करता है, उसके गुंडे थे पहले उन्हें शराब पिलाई, फिर उनकी चाबी भर दी, यूनिफॉर्म पहना दी, फिर भेज दिया ने। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई दारू नहीं पिया, पी रखी थी मैंने, खुद वीडियो में देखी है। हम तो बस ये चाहते हैं हाथ जोड़ के विनती है प्रधानमंत्री से, इसका इस्तीफा दो और इसको तिहाड़ जेल में डालो, यूपी में भी नहीं तिहाड़ जेल में, ठीक है। अपना भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ऊपर वाले के घर दे रहे हैं, देने सबर करो, रावण का भी अंत हुआ था, ठीक है। और ये आप क्या कहेंगे 50 साल तक सरकार, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी समीरा ये सब घटनाक्रम हुआ, कैसे समीरा? देखो मैं तो पहले ही कह रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, किसी न किसी तरह इनको दबाया जाएगा। और जिस तरह एक FIR के बाद लोग इस उम्मीद में थे, सरकार इस उम्मीद में थी कि ये लोग घर को वापसी चले जाएंगे, और मैंने पहले भी कहा था कि 38 मुकदमों का शजरा लटक रहा है, जब वो उसकी मूछ का बाल नहीं उखाड़ पाए तो एक सिंगल FIR क्या करती। और जाहिर सी बात है बीजेपी की कोई ना कोई दुखती रग ऐसी है जो ब्रजभूषण के जूते के नीचे दबी हुई है, यही वजह है कि बीजेपी जो है ब्रजभूषण को बचा रही है। और देखिए ये यहाँ पर चिल्ला रही है, हाय हमारे साथ मोदी जी गलत हो, मोदी जी के परिवार वाली है, ये मैंने मोदी जी ने खुद कहा था कि ये हमारे परिवार के सदस्य। आज मोदी जी का परिवार 2.5 किलोमीटर दूर पर 11 दिन से बैठा हुआ है, और वह ब्रजभूषण कई मंदिर के घंटे बजा रहा है, कई फूल चढ़ा रहा है, खाती पीती गाँव को फिर खिला रहा है, यानी वो पब्लिसिटी करा। तो कुछ ना कुछ ऐसा राज है, कुछ इंटेलिजेंस बिठानी चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मोदी जी और अमित शाह कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा मैं, हाँ तो उसको पता क्या नहीं कहेंगे ना, भाई जब भी तो कह रहे हैं कि मुझे मार कर दिखाओ, सामने वाले को पता क्या, पुलिस मेरी जेब में, शासन मेरी जेब में, प्रशासन मेरी जेब में, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी जेब में, जब भी तो मैं कहूंगी मार के दिखाओ, अगर मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारोगे मैं कहूंगी भैया मुझे माफ कर दे, सॉरी गलती होगी, अगली बार ना होना का, यही तो बोलूंगी। मोदी जी क्यों नहीं बोलेंगे? अरे भाई बीजेपी को स्टैंड ही एक तरह करा, बीजेपी तो एक भूखी नंगी पार्टी थी, और आज ये अंतरी खरीद रही, तो मंत्री खरीद रही, तो जज खरीद रही, तो चवन्नी चोर खरीद रही, सरकार बनाती कब है? जो सरकार बनाते हैं उनकी सरकार हत्या भाग जाते हैं, हमारी सरकार इतने बड़े यूनिवर्स गोल्ड चैंपियन यहाँ पे आके बैठे हैं, और इससे पीछे कितनी लड़की होंगी जो खून वो मर जाती होंगी कि हमें डर लग रहा है हमें मार देंगे। इन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी यहाँ पे, ये बच्चियाँ इनको तो जेल सिक्योरिटी देनी चाहिए जो तो कंगना को दी थी, अनएजुकेटेड लेडी को, समझ गए? ये चैंपियन बच्चे यहाँ पे शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल जेल सिक्योरिटी। एक बात बताइए, अगर हमारे हमारे मुल्क का परचम, हमारे मुल्क का तिरंगा दूसरे मुल्क में लहराता है तो मोदी जी तुम थोड़े ना करके, तुम तो चाय बेच रहे थे वो भी चाइनीज, है ना? तो ये वो हमारा झंडा जो दुनिया में रिप्रेजेंट कर आई थी, वो लड़कियां जो दुनिया में बता कर आई थी कि हम भारत की पहलवान लड़कियां हैं। अरे दुनिया का एक मुल्क बता दो जहां भारत माता की माता को जय बोला जाता हो, दुनिया का एक मुल्क बना दो जहां पर औरत को देवी माना जाता हो। अरे एक तरह तो तुमने देवी बताते हो और दूसरा उनका बलात्कार कर करके यहाँ फेंक देते हो। अरे देवी मत बनाओ, उनको सामान्य नागरिक समझ लो, ना तुम देवी समझो, ना उन्हें महिला समझो, ना उन्हें औरत समझो, ना एथलीट समझो। और फिर कह रहे कि हम देखते पॉलिटिक्स कर रही है, अरे वो क्या हरियाणा में बैठी है? तुम्हारे दिल्ली में आके बैठी है? तो ये ड्रामेबाजी है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, शाहीन बाग की महिला है। हाँ हम शाहीन बाग से लोग नहीं, अरे मुझे सारे लोग कह रहे हैं कि मनी तो तुम क्यों जा रही हो, ये फोगाट बहन है, तुम्हें कहती थी कि तुम 500-500 रुपए लेके बैठती थी, लेकिन मैं कहती हूँ वो धर्म में पता नहीं ना मालूम कहाँ गई। मैं धर्म को नहीं मानती, मैं भारत को मानती हूँ, और ये भारत के लिहाज से ये मेरी बहने हैं, और अगर मेरी बहने मेरे पे किसी वक्त में किसी के बहकावे में आके पत्थर फेंकेंगी तो मैं बहन होने के नाते इन पर फूल फेंकूंगी, क्योंकि मेरा दीन ये सिखाता है कि आपके साथ अगर कोई भटक के गलत करे आप फिर भी उसके साथ सही करें। तो आज मैं इनके साथ हूँ, शाहीन बाग इनके साथ है, मुस्लिम समाज इनके साथ है, और आप तमाम सोशल मीडिया इनके साथ है जो इनकी आवाज दुनिया देख रही है। नहीं तो आप तो देखिए सोशल मीडिया पे तो नाक का चीपड़ा, सोशल मीडिया पे वो नाक का चीपड़ा, अमन चोपड़ा क्या दिखा रहा, केरला स्टोरी, फलाना स्टोरी। अबे जाहिर यहाँ पे हकीकत बैठी है, तुम्हारी बेटियां बैठी है, इस पे फिल्म बनाओ। तो ये सब ड्रामा के डाइवर्ट करने के लिए, इस मूवमेंट को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन रात की घटना ये बता दी कि अब पूरा भारत इन बच्चियों के साथ है, इन महिलाओं के साथ है, इन पहलवानों के साथ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बंद कर दिया, कह रहे कि निचली अदालत में जाकर। तो भैया सुप्रीम कोर्ट, तुम्हें शायद नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को चवन्नी के ठंडे ठंडे की खबर थोड़ी लेगा, लोअर कोर्ट थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने FIR कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देखेगा SHO साहब तुमने FIR करी, SHO साहब तुमने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता, माफ करे, सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश की उच्च अदालत होती है, उसने ऑर्डर पास कर दिया, अब जो है वो हाईकोर्ट देखेगा।
वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। तैयार होने के बाद प्रशासन को तो एक्शन में आना चाहिए। हाई कोर्ट के बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, इन लोगों का काम है ना, तो वो उन लोगों का करना चाहिए। एक्शन ब्रिजभूषण पे नहीं होकर यहाँ पे, यहाँ के पहलवान पे हो रहा है। तो देखिए ना, जो पुलिस हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए संविधान की कसम खाती है, अगर वो हमारा, हमारे लिए खड़ी ना हो, सरकार के लिए खड़ी हो, तो उस मुल्क का खुदा हाफिज। इस देश में सिर्फ कौन सुरक्षित है, किसको इंसाफ मिल रहा है? भाजपाइयों को। काला कपड़ा डालो, सफेद व्हाइट कॉलर डकैत निकालो, तो यही चल रहा है यहाँ पर। व्हाइट कॉलर डकैत निकलते हैं आज के टाइम में, जो इनके कौन डकैत है बताइए, आप बताइए। सेंगर है, राजा भैया है, ब्रजभूषण, कितने ऐसे हैं जिन पे कितने कितने केस है। और इनका शजरा देखो ना, कोई बकरा चोरी, किताब चोरी, कुत्ता चोरी, बिल्ली चोरी के नहीं है, बड़े बड़े मुकदमे हैं। तो इतने बड़े बड़े मुकदमों में नहीं उठा रहे। कानून लेकर जो नेता एक बार जेल चला जाए, उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए और बारहवीं पास होना चाहिए वो। मैं आया जंतर मंतर पर तो मेरे समर्थन में लाखों की भीड़। हाँ तो ब्रज भैया आओ तो सही, तुम्हें रोका किसने? आओ तो सही, आज देखे जरा किसमें कितना है दम। जम के रखना कदम, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला इस वक्त अन्नदाता की बेटियों, पहलवानों से होने जा रहा है। आओ, अब तुम्हें पता क्या, तुम्हें उठा उठा के पटक देंगे, पटखनियां मार देंगी। हाँ। इसलिए तुम नहीं आ रहे, तुम्हें मालूम है अगर दबी कुचली होती तो तुम कुछ, तुम्हें पता है पहलवान बैठी है। हाँ। सिर्फ यूं करेंगी, ए ब्रज, दो हवा में उड़ने लग जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा वो। कहने में तो कुछ भी चला जाए। हाँ। वो क्या भी देखे, मंगल ग्रह से मेरे साथ एलियन आएंगे। अरे एक एक्सपायरी में और एक ताजे फल में बहुत फर्क होता है। एक सड़ा फल होता है जिसको हम नहीं खाते, अच्छी फेंक देते हैं, और एक ताजा फल होता है, वाह यम्मी यम्मी। तो ये ताजा फल है, आप इनको नहीं कह सकते कि मैं पुराना एक्सपायर हूँ, तो नहीं हो सकता। अगर तुम पहलवान होते तो तुमने अपने घर में सेंध मार ली, तुमने अपनी बहन बेटियों को लूट लिया, तो कैसे पहलवान थे? तुमने अपने घर में सेंध लगा दी। लेकिन कल यही बेटियां, बाहुबली नहीं कही है, ये माफिया है, यही बेटियां जो इस जंतर मंतर पे रात रो रही थी, भावुक हो रही थी। हाँ तो यही बेटियां आज इनका दर्द दिखाने आप आए हैं, यही बेटियां तो सारा पूरा हिंदुस्तान इनके लिए लिख रहा है, यही बेटियां हैं। हाँ। बेशक आप सरकार में, आप संविधानिक तरीके से आए और आप हिटलर शाही चलाएं, लेकिन भारत के लोग, भारत की आवाम, भारत के बुद्धिजीवी आज भी भारत की बेटियों के साथ, इन पहलवानों के साथ है। 11 दिन हो गए इन बेटियों को यहाँ बैठे हो, लेकिन मोदी जी ने अब तक ना तो कोई ट्वीट किया। 11 दिन क्या, 11 साल भी हो जाएंगे अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता, ये यहाँ से नहीं हटने की। 11 साल भी हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी तो लगातार महिला सम्मान सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं ना। मोदी जी जब कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त, तो उसी वक्त बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बता के छोड़ा जाता है। अगर मोदी जी कहें कि संस्कार, तो समझो कि संस्कार नहीं होगा। अगर गुंडों को टिकट देना, मवालियों को रखना, तो बीजेपी तो आपको पता कि 45% लुच्चे, लफंगे, डके, टिकटॉक, टिकटॉक का बलात्कार यही होते हैं।